निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास जी और डॉक्टर निकिता मैडम हमारे बीच में हैं, तो मैं सर का और मैडम का हमारे विद्यालय परिसर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप एक बार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। और आज के कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने की मैं सर से अनुमति चाहता हूं। सर अनुमति दें। थैंक यू सर। अब राजकुमार सर और टीम से मेरा अनुरोध है कि प्रार्थना के साथ आज के शुभ दिवस की शुरुआत करें, शुभ दिवस की शुरुआत करें। थैंक यू। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। प्रिंसिपल साहब, हमारे सारे टीचर्स और सहकर्मीगण, सबको आज इस विशेष दिन की, विशेष पर्व की, इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसकी मैं सबको हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। आपकी स्कूल सबकी मेहनत, लगन और आस्था के वजह से आज देश के एक सर्वोत्तम स्कूलों में इसकी नाम है। जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है स्कूल और यहाँ के छात्र केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, हमारे संस्था के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए आने वाले दिनों में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और आज के दिन हम सब आपको को आशीर्वाद भी देते हैं और आप लोगों को ये भी अनुरोध करते हैं कि सब लोग अपना पन ले, कि एक रोल मॉडल के रूप में आप पूरे विश्व के लिए अपनी नाम एक सितारों के रूप में हमेशा लिखेंगे। और आपकी इस प्रयास में मुझे यह विश्वास है कि हमारे सारे टीचर्स, आपकी प्रिंसिपल और संस्था हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। थैंक यू। ये सेजल, ये कैसी लग रही है रेस, कैसा लग रहा है आज का दिन? हाँ जी, क्या कौन जीता आप बॉयज में? बहुत सारे जीते सर, बहुत सारे। तो आपको दिन अच्छा लग रहा है आज का? सर ठीक, सर अच्छा लगा। वेरी गुड खजान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड से खजान ने कवर की है ये रेस।
यहाँ पर संदीप सर और बच्चे हैं, संदीप सर टाइमिंग नोट करते हुए। यही पता चलता है अमित सिंह सर और धर्मेंद्र सर यही पता चलता है, हौसला अफजाई करते हुए देखे। चलो चलो दृष्टि, चलो सब तो ये है आज फन गेम्स वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के ऊपर 40 सेकंड में दृष्टि ने अपनी डिस्टेंस पूरी की है। 40 सेकंड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रामकरण वर्मा, रामकरण वर्मा। यहाँ पे बच्चे हैं। ब्रिज सर कौन सा इवेंट करा रहे हैं? सर फन एक्टिविटीज करवानी है हमें। हाँ जी, सुबह हमने उसके बाद जंप करवाए, अब इनसे वो करवाएंगे हम उठना बैठना ताकि एंजॉय भी हो जाए और फिजिकल एक्टिविटी हो जाए। चलिए सर, ऑल सर ऑल द बेस्ट। ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। यस यस सर, क्या हो रहा है सर? सर यहाँ पर कुछ बच्चे खुद में मस्ती करते हुए गोल गोल घूम रहे हैं और जिसका भी हाथ छोटा वो आउट। बच्चे थक गए यहाँ पर। क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? हाँ जी अच्छा जी, स्किपिंग करते हुए ये एक दो एक साथ स्किपिंग करते हुए बहुत बढ़िया बेटा। क्लास 5th के स्टूडेंट टोटली ब्लाइंड स्किपिंग करते हुए यहाँ पर, और अब देखते हैं सोनम यहाँ पे स्किपिंग करती है बहुत अच्छे से करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोनम। गौरी, राकेश सर गुड मॉर्निंग। सर ये कौन सा इवेंट करा रहे हैं फिर भी आप? ये इवेंट है जंप एंट्री। अच्छा, बच्चे दोनों जो है लैग यूज करेंगे और इस तरीके से अपने टारगेट पे रीच करेंगे। चलिए सर, नेक्स्ट किसको भेज रहे हैं आप? जी क्लास 9th का स्टूडेंट है। शुभम सर गुड मॉर्निंग। सर ये कौन सा इवेंट करा रहे हैं आप? बॉल थ्रो सर। बॉल थ्रो, वेरी गुड। मैडम गुड मॉर्निंग, आप ये कौन सी रेस कराने जा रहे हैं? ब्रॉड जंप कराने जा रहे हैं सर। अभी एक okay. रेस हमारी हो चुकी है, दूसरी रेस है। चलिए तो किसको भेज रहे हैं फर्स्ट आप? फर्स्ट अभी हमारे क्लास में कौन आना चाहेगा? बच्चों आ जाओ, चलिए जाएगा। चलिए आज तैयार हो रहे हैं। ये यहाँ पे प्रिंसिपल सर बच्चों के साथ। अरे तो प्रिंसिपल सर कैसा, प्रिंसिपल सर कैसा लग रहा है आज? वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत शानदार गेम था और सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और थैंक्स टू नरेश सर एंड ऑल टीचर्स, बहुत शानदार आप लोगों ने प्लानिंग की है और सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल। यहाँ प्रिंसिपल सर हमारे बच्चों को इंकरेज करते हुए और
थाली बजाते हैं हमें उनके लिए। और अब यहाँ पे प्रोग्रेस करते हुए बहुत अच्छे से जंप कर रहे हैं, ये टोटली ब्लाइंड है। यहाँ आना आपको गिर के चाहे पढ़ के, लेकिन खड़े नहीं होना है, बस आप लेट के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन चेंज करते हैं, आइए 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 आइए, नहीं नहीं बस थैंक यू, आपने 25 सेकंड लगाए, बहुत सुंदर, आप आगे बढ़िए, हाँ बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गाइड करते हैं बच्चों को 16 सेकंड। ये अर्श एक फ्रॉक की तरह उछलते हुए, इलेवन सेकेंड, यस, इंडिविजुअल फ्रॉक जंप है। और संदीप सर गुड मॉर्निंग, ये कौन सी रेस करवा रहे हैं आप? होल्ड एंड शफल। ओके सर, दोनों हाथ पकड़ के इनको दौड़ना है। जी जी जी, चलिए बेटा, ओके सर। बढ़िया, ये फन विद गेम्स। यहाँ पे हाय सर जोसा मैम नाम नोट करते थे बच्चों के। ये आउट है, हाथ लगा लिया है ना, 50% से भी कम लोग कर रहे हैं, है ना। तो अभी आपको उन्होंने बताया था, क्योंकि आप जब कुछ खाते हैं तो आपके दांतों पे चिपक जाता है, और वो जो बैक्टीरिया है वो आपके दांतों को सड़ाने का काम करता है। तो अगर हम रात को सोते टाइम ब्रश करेंगे तो वो बैक्टीरिया मुंह से साफ हो जाएंगे और आपके दांत नहीं सड़ेंगे। तो आज से हम सब मुझ से वादा करेंगे कि रात को सोते टाइम ब्रश जरूर करेंगे। कितने लोग वादा करते हैं, हाथ उठाओ। वेरी गुड, जैसे भी आपके टीचर जी ने कहा कि हम बीच बीच में आते रहेंगे, हम आपको बोलेंगे नहीं अब, क्योंकि आप हमारे प्यारे बच्चे हो, आप हमारे बहुत दिल के करीब हो। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम आपके दांत स्वस्थ रखें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे।
तो हम बीच बीच में आते रहेंगे और ये चेक करते रहेंगे कि आप में से कितनों ने रात को ब्रश करना शुरू किया। तो अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ कि सब रात को ब्रश करने वाले मिलेंगे मुझे, ठीक है। अच्छा और ये बताओ कि अब मीठा चॉकलेट टॉफी कितने लोग खाते हैं? यहाँ तो हाथ नहीं उठने थे। कोई बात नहीं, खाओ। अगर बच्चे चॉकलेट टॉफी नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, है ना। लेकिन चॉकलेट टॉफी खाने के बाद ब्रश करना है। अगर ब्रश करना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम पानी से कुल्ला करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है उसका प्रिय भोजन है मीठा पदार्थ। तो अगर चॉकलेट टॉफी गुड़ आपने खाया हुआ है, वो आपके दांतों पे चिपका हुआ है, तो वो आपके दांतों में कैविटेशन करेगा, केरीज करेगा। तो इसलिए मीठे पदार्थ जब भी खाएं तो कुल्ला अवश्य करें। बाकी हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, तो उससे आपका दांत स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर मजबूत रहेगा। मैं एक बार सभी का पुनः साधुवाद करता हूं, अमित जी का खास तौर से कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं आज यहां भी आज भी एक कैंप करने के लिए आई हुई है मेरी टीम सीमा इंटरप्राइज हॉस्पिटल से, लेकिन मुझे प्यार है इस कॉलेज से, इस बिल्डिंग से। तो मैंने कहा कि एक बार मैं आप लोगों से मिलने चलूंगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इन बच्चों को और साथ में कुछ जागरूक भी किया, और जो जरूरी है मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे दिव्यांग है और छोटे बच्चे हैं और जो घर से दूर रहे, जिनको इतनी मतलब जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम डेली लिविंग स्किल बोलते हैं, उसी का एक पार्ट है ये। तो बच्चों धन्यवाद सर। अब मैं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अमित शर्मा जी को बुला रहा हूँ, और सर आए और बच्चों को कुछ शुभ आशीष दें इस शुभ अवसर पर। एक अशोक जी भेज दो, मोनिका भी है, सोसाइटी में एक मैसेज देना है कि हाँ यस, हम भी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम भी समाज को लीड कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा मॉडल स्कूल दिन प्रतिदिन नए अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है। हमारा रिजल्ट विगत कई वर्षों से 100% रहा है। कोविड के टाइम पे हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है, और हमारे टीचर्स, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि लगातार नए नए आइडियाज बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिजिकली और मेंटली आज हमारे बच्चे बहुत फिट हैं, और एक फिटनेस का राज आपको पता है, वह है हमारे दांत। उसके लिए भी हम सर के बहुत आभारी हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ शरीर के लिए खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना जरूरी है। और खाना तभी अच्छे से डाइजेस्ट होगा यदि हमारे दांत स्वस्थ होंगे, क्योंकि तभी हम अच्छी तरह से जो भोजन होता है उसे अच्छी तरह चबा पाएंगे, और तभी वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर हिमांशु आर्यन जी और इनकी टीम का कि आज के शुभ अवसर पर वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों को दिया। और सर हम उम्मीद करते हैं, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम इस दुनिया को और इस समाज को एक मैसेज देंगे कि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से कम नहीं है। हमारे बच्चे आज देश के विभिन्न भागों में जो हमारे एलुमनाइज हैं वो लीड कर रहे हैं सोसाइटी को, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, मेन स्ट्रीमिंग में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। इस बार भी सेंट स्टीफन मरिंडा हाउस टॉप कॉलेज जो इंडिया के हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे आफ्टर 12th अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। और आप सभी बच्चों को आज के इस विशेष दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हो चुके हैं सब यहाँ पे, और इवेंट्स के बाद जो भी यहाँ पे डिस्पोजल वगैरह हैं ग्राउंड में जो भी है उसको क्लीन करके एक जगह रख रहे हैं ताकि बाद में डस्टबिन में डाल सकें। और यहाँ पे सारा ग्राउंड में सब असेंबल हो चुके हैं। गायत्री मंत्र मैं बोल दूँ, गायत्री मंत्र बहुत अच्छा होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मैंने इसलिए उच्चारण किया कि हम लोग सूरज की धूप में ये खेल रहे हैं।
और ये सूर्य की प्रार्थना है, तो इसलिए ये कहा गया है कि सूर्य देव हमें सन्मार्ग की तरफ ले जाए और हमें सभी को विकलांग दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये जो मैं बोलने जा रही हूँ चार लाइनें, ये बच्चों की तरफ से ही है, ठीक है। You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. वाह वाह, एक और जोशन मैम आ गए भाई। नहीं नहीं, वो प्रियंका मैम ही है। You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. कि दिव्यांग दिवस के इस शुभ अवसर में हमारे बीच सीमा डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर हिमांशु अरेन सर हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहता हूं सर को स्वागत के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। मुझे आज भी याद है जब सर कुछ दिन पहले हमारे बीच आए थे और जो सेवाएं और जो समय उन्होंने हमें दिया, उस समय शायद ही मुझे इतने लंबे समय में यहाँ, काफी समय हो चुका है मुझे यहाँ, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इतना बच्चों को एक लंबा जो यहाँ कैंप चलाया था और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी थी। क्योंकि जनरली आपका फील्ड वो है जहाँ पे जल्दी से लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ जागरूकता ही एक ऐसी चीज है, क्योंकि ये हमारे दांत हमारे हथियार होते हैं, अगर ये सुरक्षित नहीं है तो हमारा शरीर सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपने हमें बहुत कुछ दिया है, जागरूक करके गए हैं और हमारे बच्चे उसके बाद हमें लगता है कि हमें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप उनको सिखा के गए थे। तो सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप फिर से आए हैं इस प्रांगण में, बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका, क्योंकि आप उम्मीद भी करेंगे आप समय समय पर हमें अपना समय और योगदान जरूर देते रहे। थैंक यू सर। अब मैं सर को बच्चों को कुछ साधुवाद दें तो उसके लिए मैं बुलाना चाह रहा हूँ। सर आए, प्रिंसिपल डॉक्टर मिस्टर अमित शर्मा जी, सभी स्टाफ।